तो अभी तक कोई मछली लगी? अभी तो स्टार्ट ईयर तो आया है। एक नहर निकली गई है, काफी गहरी लग रही है यहाँ से। सैफुल्ला भाई चले गए जनाब हमारे पानी चेक करने, बहुत तेज पानी निकल रहा है। सैफुल्ला भाई खिड़की विड़की जरा बंद बंद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपको कोई घसीट के ले गए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, आइए आज आपको हब डैम के इर्द-गिर्द जो वाइल्ड लाइफ जंगली हयात कुछ बनाई गई है, हमने पता किया यहाँ से, तो वो बिल्कुल सामने का रास्ता है, तो वहाँ लेकर चलते हैं और आपको कुछ वहाँ पे दिखाते हैं चीज़ें इस वीडियो में। ये पार्ट टू आप समझ लें, पार्ट वन में आपने मेरी कंप्लीट जो है वो हब डैम की देखी होगी, मैंने उसमें कंप्लीट आपको रास्ता बताया। अब ये हब डैम के आप बिल्कुल किनारे पे एंड पे आ जाएंगे, इस साइड पे बिल्कुल एंड पे, तो यहाँ से आप ये वाबडा का कुछ हाउस बना हुआ है, इससे आप ये सीधे कच्चे रास्ते पे सीधे सीधे राइट साइड पे एक पक्का रास्ता जा रहा है, उस पे नहीं जाना है, ठीक है। चलिए आपको रास्ता ही दिखा देते हैं ना, पता चल जाएगा आपको, तो चलिए मेरे साथ चले। तो जनाब ये वापटा का कोई है सेटअप, इधर नहीं जा सकते, ठीक है भाई, नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, मना है तो मना है। तो ये सामने कच्चा रोड जा रहा है, कुछ मालूमात हासिल की हैं हमने यहाँ पे हमारे मुस्तफ़ा भाई से, बड़े ही नाइस और ज़बरदस्त इंसान है, बड़े प्यार मोहब्बत से बलोच भाई है, बलोचों की लैंग्वेज और ज़बान से तो हमें मोहब्बत है भाई शुरू से ही। तो उन्होंने बताया कि भाई इस कच्चे रास्ते पर चले जाओ, हमने कहा यार मछली लेनी है भाई, यहाँ डैम से मछली लेनी है, मीठे पानी की मछली। तो उन्होंने कहा भाई ये कच्चा रास्ता सीधा आगे चले जाए, ये डैम के कुछ हिस्से आपको पानी नज़र आ रहा है, और वहाँ से सीधा ये कच्ची रोड पे, वो पक्की जा रही है उधर नहीं जाना, तो ये कच्ची रोड पे थोड़ा आगे जाके नीचे उतर जाओ, तो नीचे मछेरे वछेरे पता नहीं लाँचे वाँचे लेके बैठे हैं, मछली पकड़ते हैं, और इसमें रोहू और पापलेट और पता नहीं कौन कौन सी नस्ल की मछलियों को उन्होंने बताया, वो सारी मछलियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आइए चल के कोई मछली खरीदते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कोई मछली अगर हमें मिल जाती है। नहर वहर यहाँ से भी निकाली है कोई लगता है, कराची को पानी की सप्लाई का मरकज, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं यार फिर भी कराची में पानी पूरा नहीं होता, कहाँ चला जाता है, कौन पी जाता है इसको। तो ये भी कोई एक नहर निकली गई है, काफी गहरी लग रही है यहाँ से, ये नहर है लेकिन बंद है, नहीं नहीं नहर है लेकिन ये बंद है, इसमें पानी नहीं है, ये देखिए ये बंद है इस वक्त, यहाँ से पक्की बंद कर दी है भाई, इधर मट्टी डालती है। कुछ जंगल शंगल और कुछ पिकनिक पॉइंट और सब कुछ बना हुआ है यहाँ, परिंदे वरिंदे बाहर फूट छोड़ा आपने देखा, इनको मारना शिकार करना मना है। तो वो मोटरसाइकिल वाले काफ़ी सारे लोग आए, तो हम भी इस रास्ते से होते हुए जो है वो कुछ वाइल्ड लाइफ की छोटी सी वीडियो बनाते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं। ये बलूचिस्तान के एरिए में घूम फिर रहा हूँ जनाब, मैं आज फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, और इसके दूसरी तरफ सामने जो पहाड़ हैं वो सिंध के पहाड़ हैं, और ये मैं बलूचिस्तान में जा रहा हूँ, और इधर सुना है कि भेड़िए छिड़ी भी होते हैं। तो भाई सैफुल्ला भाई खिड़की विड़की ज़रा बंद बंद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपको कोई घसीट के ले गए यहाँ से और हमें पता भी ना चले। तो देखते हैं जनाब यहाँ के व्यूज़ कुछ हैं अच्छे हैं, वहाँ पे जो खड़े हुए थे चौकीदार भाई उन्होंने बताया, मुख्तलिफ रस्ते जा रहे हैं और ये नीचे डैम की तरफ रास्ता जा रहा है, तो चले पहले इस जगह को देख लेते हैं, बल्कि यहाँ तो पानी छानी भर रहे हैं, देखते हैं ये किधर जा रहा है।
बिल्कुल डैम के नज़दीक आ गए, चलें उतर के डैम के पास चलते हैं, पानी शानी को हाथ भी लगाते हैं। आ जाएं हमारे साथ। तो यहाँ पे कुछ पब्लिक आई हुई है, आइए किसी से बात भी करते हैं, क्योंकि हम तो आए हैं फर्स्ट टाइम और पूछते हैं, ये लोग आते रहते होंगे, कोई मछली वछली पकड़ रहा है तो उससे भी बात कर लेते हैं। तो ये हम पहुँच गए बिल्कुल पानी के पास, आइए जनाब हब डैम के पानी को टच करते हैं। ये लीजिए हो गया टच, काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। पानी ठंडा है, बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो ये नाइस व्यूज, कुछ लोग बैठे हैं, मुझे इससे इजाज़त लेके बात करते हैं, इससे पूछते हैं कोई बात करना चाहे तो। ये भी कुछ व्यूज़ हैं ज़बरदस्त। ओ कुछ लोग मछलियाँ वहाँ पकड़ रहे हैं। तो आइए जनाब यहाँ पे एक साहब मछली पकड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सलाम अलैकुम भाई, कैसे हैं? इधर से रोशनी सही नहीं आ रही, एक मिनट। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई, आसिफ भाई मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई हब डैम के ऊपर, बड़ा अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त है, और मैं कराची से आया हूँ, काफ़ी सुपर हाईवे से। तो आप कहाँ से हैं सर? मैं कराची से आया हूँ, औरंगी टाउन से। औरंगी टाउन से, तो पहले यहाँ आते रहे होंगे आप? हाँ, दो तीन बार। तो आप मछली पकड़ रहे हैं, तो ये डोर जा रही है, तो यहाँ मछली लग जाती है इतने से पानी में? लग जाती है। तो अभी तक कोई मछली लगी? अभी तो स्टार्ट किया, अभी तो आए हैं। ऐसे कितनी देर हुई है? एक घंटा हुआ है अभी तो, धूप भी इतनी हो रही है। अच्छा, तो मछली के ऊपर पानी में ऊपर आने का टाइम, मैंने सुना सुबह सुबह आती है, भूखी होती है? शाम में। शाम में भी? अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है। तो कितनी देर होगी आपको डोर डाले हुए? अभी तो हमें आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा हुआ है, और आपको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं है ना, कोई आपके पास वो है जो छड़ी जो होती है? नहीं, छड़ी वगैरह नहीं है, अभी तो फिलहाल ऐसे ही रखा है, सारा सामान वहाँ है हमारे पास। अच्छा, तो ये जब लगेगी तो ये डोर खींचेगी? हाँ, आप खींच लेंगे? हाँ। चलें, लग रहे हमारे सामने लग जाए, मछली आपसे ख़रीद के ले जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप आते रहते हैं तो यहाँ पे कोई मछली बेचने वाले आसपास में हैं? कहाँ पर होते हैं? मछली बेचने वाले तो हैं, लेकिन थोड़ा आगे होंगे, ये आपको जो गेट पर है ना, हाँ, वो बताएंगे। उसने बताया कि इधर नीचे हैं, पता नहीं आगे करके नीचे मछेरे वछेरे, इसी के जो रोड हम ऐसे छोटे टूटे गेट से अंदर आ गए उससे सीधा चले जाएंगे नीचे उतरने। हाँ, ये पहाड़ के बैक साइड पे। अच्छा, वो जगह मछेरे वछेरे होंगे। ठीक है आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, बहुत सारे लोग मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की हाथ कोई मछली नहीं है। सामान पड़ा यहाँ से, पानी एकदम गहरा हो जाता है, इसलिए नहाने के लिए लोग यहाँ पे मना कर रहे हैं कि नहाया ना जाए तो बेहतर है। फिर आ गए परिंदे, नहीं वो जब तैयार हो जाता फिर उड़ता है, इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता। सैफुल्ला भाई चले गए जनाब हमारे पानी चेक करने, बहुत तेज पानी निकल रहा है। मीठा, मीठा, हाँ बस आ गई, ओए ये बस आ गई, चले इसके पीछे चलते हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक, आज इतवार है तो लोग बेहतरीन हो गया। सैफुल्ला भाई चलिए इस बस के पीछे जल्दी बैठ जाएं आप, बस के पीछे पीछे जाओगे, बस के पीछे चलते हैं। कि ये लोग एक दूसरा पिकनिक पॉइंट दिखाते हैं जनाब, ये बलूचिस्तान में हम आए हैं पिकनिक मना रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ भाई। ओ जनाब बस जा रही है, बस को पकड़ने हैं। तो दोस्तों ये जंगल ही है, पौधे वौधे लगा दिए हैं लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए, तो हम वाइल्ड लाइफ के अंदर से गुजरते चले जा रहे हैं। और इसके तीनों अतराफ में जो है ना वो हब डैम है, ये एक बस आई है, इसको फॉलो कर रहा हूँ। ये जी हम हब डैम की दूसरी तरफ आ गए, यहाँ से जो हब डैम पे बंद बांधा है वो भी आपको दिखा देते हैं साइड से। यार ये तो मज़ेदार जगह नहीं है वैसे इतनी ज़्यादा, ये बस कहाँ आई है, हम बस के चक्कर में जाना। ये लोग यहाँ उतरेंगे, यहाँ कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे कुछ, तो बस हम यहाँ से थोड़े से व्यूज़ लेके फिर वापस आते हैं। ये जनाब हब डैम के दूसरी तरफ, हब डैम का पानी है सारा जो ऊपर आया हुआ है बाहर की तरफ, यहाँ लोग आके पिकनिक वगैरह मनाते हैं।
सामने हब डैम का पूरा फन नजर आ रहा है, जिसके ऊपर से गुजर के वापस जाना पड़ेगा मुझे। तो ये सारी जगह आप देख सकते हैं, सारी वाइल्ड लाइफ का इसको दर्जा दिया गया। कोई और सीन लेते हैं चलते। ये पूरी बस आई हुई है लेकिन फैमिलीज हैं तो उनको कवर नहीं कर सकता मैं बिल्कुल भी, हरगिज़ नहीं। यहाँ कुछ दस बारह लगे हुए और ये बाइकें शाकियाँ आ रही हैं। वाइल्ड लाइफ का कुछ हिस्सा हमने देख लिया, कुछ लोगों से मिल लिए, एक बस का ताकुब किया तो वो इतनी अच्छी जगह पे नहीं गई, लेकिन बहरहाल वहाँ से हब डैम के कुछ व्यूज़ आ रहे थे जो उसके ऊपर बंद बांधा गया कराची की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं, वापस निकल रहे हैं यहाँ से, जहाँ से हम कुछ टिकट दे कर आए थे अंदर। तो इसके बाद जो है हम थोड़ा सा अपने राइट साइड पर यहाँ से जाएँगे, नीचे उतरेंगे, वहाँ पर सुना है कि कुछ मछेरे वछेरे बैठे हैं, तो उनसे ज़रा कुछ मछली वछली अगर वो हमें दे सके तो हम मछली लेते हैं, उनसे बात करते हैं। तो मछली लेने के बाद इस वीडियो का एंड करते हैं। तो चलिए जनाब मछेरों से मिलते हैं चल के, ये हम वापस आ गए हैं यहाँ से। इस गेट से अंदर दाखिल होके हम गए थे और हम लेफ्ट साइड से आए थे, अब हम राइट साइड पे नीचे जाते हैं। थोड़ा सा सुना है कि वहाँ कुछ मछेरे हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वापस चले जाएंगे। ओ ये तो रोड आ गई पूरी, उस साइड पे जाना पड़ेगा। ये तो जनाब रोड आ गई है, अब इस रोड पे कहाँ जाएगा आदमी भाई, ये किधर जा रही है? ये भी बंद है जनाब, ये तो हम हब डैम की दूसरी तरफ आ गए हैं। यहाँ देखते हैं अगर नीचे आगे पीछे है, नहीं तो यहाँ से वापस चलेंगे क्योंकि बहुत देर हो जाएगी। दौड़ लगाएं क्या, चले हब डैम की दूसरी तरफ चल पड़े हैं, रोड नीचे लेकर आ गई है। और बताया कि मछेरे यहीं के मौजूद हैं, लेकिन मछेरे लगते हैं आज हमारी किस्मत में नहीं है, मछली यहाँ की नहीं है। तो भाई क्या करें क्या करें क्या करें, हब डैम और जंगली हयात के बीच में फिर रहे हैं हम। जंगली हयात यहाँ पे कुछ जंगली जाना हो बहुत कुछ है, बड़े परिंदे हैं, बड़े कौन कौन से, ये कहाँ कहाँ रास्ता जा रहा है भाई। हब डैम इज सो बिग, तो हब डैम पिछली वीडियो में देखिएगा पार्ट वन, और ये जो जंगली याद वाली वीडियो है इसमें भी आप हब डैम देख सकते हैं। हब डैम का दूसरा हिस्सा पूरा का पूरा ही भाई मैंने कवर कर दिया अब तो हब डैम। ओए होए होए, तो दोस्तों आगे जाना बेकार है। हमें मछेरे नहीं मिले और हमें मछली नहीं मिली, लिहाजा हम चलते हैं वापस। डैम के सामने रखते हुए, बिल्कुल सामने रखते हुए हम इस वीडियो का करेंगे इख्तिताम। देखना पीछे, बस काफी है भाई, आ जा आ जा। हब डैम के सामने रखते हुए इस वीडियो का करते हैं इख्तिताम और चलते हैं अब घर की तरफ वापस। बहुत दूर निकला है आज हम, पता नहीं कितने 100, 150, 200 किलोमीटर आ चुके हैं हम बाहर। तो अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स और दीगर लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।